के पास आइए। इस बीच होटल, फ्लाइट्स और ट्रेन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहा है होली के त्योहार पर? तो रियल स्टेट रियल टाइम बेसिस पर डेटा तैयार है आपके लिए कि बुकिंग्स कैसी है, माहौल कैसा है, बिजनेस कैसा है। आशीष भी तैयार है बताने के लिए होली विशेष बुकिंग स्पेशल। कितनी बुकिंग की आशीष बताइए। सर मैं जा नहीं पाया लेकिन डेटा सबका निकाल लिया मैंने। डेटा निकाल दे रहे लगता है। जी बताएं। काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिली सर। पिछले मंथ के हिसाब से ही देखे तो 10-15% की ग्रोथ है, लेकिन खास बात है कि लोगों ने ना महंगे दाम पर भी बुकिंग की है, फ्लाइट्स बुक की है, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। आप देखिए मुंबई गोवा का जो फेयर देख रहा था इसमें 33% का इजाफा आपको देखने को मिला जो नॉर्मली चलता है। पुणे दिल्ली, दिल्ली लखनऊ, न्यू दिल्ली रांची, दिल्ली पटना, यहाँ से अगर आप देखें तो काफी बड़ा इजाफा। इनफैक्ट एक बढ़िया सा रोचक एग्जांपल मेरे पास है कि दिल्ली टू पटना अगर आप देखें तो जो 7 मार्च की फ्लाइट थी इसका औसतन प्राइस होता है 4,000 के आसपास, लेकिन उन लोगों ने 11,000 रुपए तक देकर फिर भी ट्रैवल किया है और काफी बढ़िया बुकिंग्स के जो है रुझान यहाँ पर आपको देखने को मिले। जैसे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस रहे हैं वाराणसी, जयपुर, गोवा, कश्मीर, दुबई, सिंगापुर, यहाँ पर लोगों ने जाकर सरप्राइजिंगली होली बनाई है। मथुरा की तो बात ही अलग है सर, यहाँ पर तो बुकिंग्स डबल हो गई हैं। इज माई ट्रिप ने खुद बताया कि यहाँ पर काफी बढ़िया टूरिज्म में ग्रोथ देखने को मिली है। लीजर ट्रैवल की जो एडवांस बुकिंग है काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 30% बुकिंग जो है ऑलरेडी पहले कर दी थी, तो काफी यहाँ पर अगर आप देखें तो अक्रॉस अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा सर ओयो की तरफ से भी डेटा आया है, जैसे प्रयागराज में अगर आप देखें तो जो बुकिंग्स हैं यहाँ पर 127% का इजाफा है, पटना में 126%, लखनऊ में 125%, और औसतन लोगों ने पूरे हफ्ते की लगभग छुट्टी ले ली है सर, 6 दिन की छुट्टी बनाई है, तो अच्छी ग्रोथ है। लगातार हम देख रहे हैं कि हर जो फेस्टिव सीजन है यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। बताइए छोटे शहर बड़ी ट्रेवल डिमांड, मतलब ये क्या है इसमें सर? इस यहाँ के लोगों ने ज्यादा बुक करा है और यहाँ पर लोग जा भी बहुत ज्यादा रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे लोग कोई आदमी लखनऊ क्यों जा रहा होगा मुझे ये समझाओ जरा। सर अपने घर जा रहे होंगे होली मनाने के लिए। अच्छा छोटी, अच्छा होली मनाने घूमने के हिसाब से नहीं, लेकिन जो लखनऊ से बाहर रहते हैं तो घूमने भी, क्योंकि सर इजाफा काफी ज्यादा है। तो 4 दिन आदमी लखनऊ में क्या घूमेगा? है नो आइडिया, है तो जाके देखना पड़ेगा। अच्छा ओके, लेकिन हाँ मतलब घर जाने वाला मामला तो समझ में आता है, कोई अगर बाहर काम काज कर रहा है और वो जाना चाहे। अच्छा तो आपके हिसाब से वाराणसी, जयपुर और गोवा तीन जगह ज्यादा डिमांड रही है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। दुबई और सिंगापुर भी नाम है, वो तो लंबी छुट्टियों के हिसाब से गए होंगे। होली मनाने कोई दुबई नहीं जाएगा, है ना? दुबई सिंगापुर होली मनाने के लिए नहीं जाएगा, और कश्मीर भी होली मनाने के हिसाब से तो आदमी नहीं जाएगा, लेकिन वो 4 दिन की छुट्टी एक दो दिन और ले लो ऐसा करके। तो ये तीन डेस्टिनेशन तो आपके पीछे वाले घूमने के हिसाब से हो गए, तीन होली के हिसाब से हो गए। अच्छा ये तो हो गया, चलो कि समझ में आएगा कहाँ लोग ज्यादा घूमने जा रहे हैं। कहाँ के लोग ज्यादा घूम रहे उसमें आपका कहना है प्रयागराज, पटना, लखनऊ, ये लोग ज्यादा घूम, यहाँ से लोग यहाँ से ज्यादा जा रहे हैं। बराबर, छोटे शहरों में 125% डिमांड बढ़ी है, बुकिंग बढ़ी है। ओहो, मतलब दिल्ली मुंबई वाले लोग कम निकल रहे हैं बाहर के ज्यादा परसेंटेज में, परसेंटेज के हिसाब से। फिर दिल्ली मुंबई में परसेंटेज कम भी हो लेकिन संख्या ज्यादा हो जाती है। हाँ। अगर छोटी ग्रोथ भी आए बड़े इंटरेस्टिंग है। तो जरा ये और कोई है डिटेल्स बाकी हो चुकी है कम्प्लीट? ओके, आप क्यों नहीं जा पाए? सर मैं पिछले हफ्ते ही छुट्टी, पिछले महीने छुट्टी पे था। अच्छा आप लगातार बार बार लेते रहते तो फिर आपको लगे होली पे तो क्या ही। ओके चलो अच्छा है ये बात, कम से कम आशीष को पता था कि लगातार बार बार लेते हैं। ओके।